And myself Dr. B.G. Shukla, and today by using Cauchy-Residue theorem we evaluate real integration minus infinity to infinity fx dx. तो आज हम लोग Cauchy-Residue theorem का use करके real integration minus infinity to infinity fx dx की value निकालेंगे कि कैसे Cauchy-Residue theorem use होती है in real integration. तो consider करते हैं, थोड़ी process इसकी देख लेते हैं, then after इससे related question करेंगे. तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर इंटीग्रेशन क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड वेयर सी इज कंटूर कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर एंड रियल लाइन माइनस आर टू आर. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक में उसको हम कंसीडर करेंगे एक सेमी सर्किल, लार्ज सेमी सर्किल सी आर. सेमी सर्किल यहां पर सी आर है ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस आर है और ये आर रेडियस है और ये माइनस आर है. काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन लेंगे. तो यहां पर दो चीजें हैं क्लोज कंटूर सी में जिसमें हमें जिसकी जिसपे हमें रियल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है. एक अपर पार्ट ऑफ सर्किल है, सेमी सर्किल इसको बोल सकते हैं सी आर, और रियल लाइन है माइनस आर टू आर. मीन्स इस इंटीग्रेशन सी को जो ये क्लोज कंटूर सी बन रहा है, यहां पर दो टाइप के इंटीग्रेशन है. एक सी आर है अपर हाफ पोर्शन ऑफ सर्किल, सर्किल का ऊपर वाला पोर्शन, और रियल लाइन है माइनस आर टू आर. तो इसलिए यहां लिख सकते हैं हेंस इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बन जाएगा माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स, ये रियल लाइन है, प्लस सी आर एफ जेड डी जेड. तो यहां क्लोज कर्व सी एफ जेड डी जेड हमारे पास ये इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन के बराबर होगा, इस लाइन का इंटीग्रेशन प्लस अपर हाफ पोर्शन का इंटीग्रेशन. इनकी हेल्प से यहां पर Cauchy-Residue theorem का यूज करेंगे और राइट हैंड साइड में एफ जेड की वैल्यू निकालेंगे, प्लस सी आर की वैल्यू भी फाइंड करेंगे कि इस इंटीग्रेशन में एफ जेड डी जेड ओवर सेमी सर्किल आर क्या वैल्यू रहेगी. इन दोनों की वैल्यू निकाल के हम एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो ये प्रोसेस रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. लेकिन इसकी सेमी सर्किल सी आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरम की जरूरत होती है, उसको भी जरा देख लें. तो थ्योरम ये कहती है इफ ए बी एन आर्क विद थीटा वन लेस आर इक्वल्स टू थीटा टू फॉर मॉड ऑफ जेड बराबर आर. अगर ए बी कोई आर्क है जिसमें थीटा वन इज लेस आर इक्वल्स टू थीटा इज लेस आर इक्वल्स टू थीटा टू है फॉर मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आर एंड लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी जेड एफ जेड इक्वल्स टू के देन लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ ए बी इंटू एफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल्स टू आई थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू के. तो इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एफ जेड डी जेड की वैल्यू हो जाती है आई थीटा टू माइनस थीटा वन इंटू के. इसकी कोरलरी भी है बेसिकली, जिसका हम ज्यादा यूज करेंगे कोरलरी का मतलब जो इस थ्योरम से रिजल्ट निकलता है वो कोरलरी कहती है इफ जेड एफ जेड टेंस टू जीरो एस मॉड ऑफ जेड या एस आर टेंडिंग टू इंफिनिटी देन हम कह सकते हैं लिमिट आर टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड दिस इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इंटू डी जेड बराबर जीरो। अगर जेड एफ जेड की वैल्यू जीरो के बराबर हो, एज मॉड ऑफ जेड यहां पे लिख लीजिए, मॉड ऑफ जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे मॉड ऑफ जेड इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर रहा है तो जेड एफ जेड की वैल्यू जीरो के बराबर हो, तब लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड एफ जेड बराबर जीरो हो जाएगा। तो इस कोरोलरी का भी हम यहां पर यूज करेंगे और इससे हम फाइंड करेंगे कि कैसे इस इंटीग्रेशन को हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक जरा देखते हैं इसी से रिलेटेड और उसको सिंप्लीफाई करते हैं और आप देखेंगे कि इन सब का यूज करके कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है। इवेलुएट करना है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा ए इज ग्रेटर देन जीरो कामा बी इज ग्रेटर देन जीरो। इसको इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर ए और बी जो है वो जीरो के बराबर है। अब जरा देखें इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर करें सॉल्यूशन, इन क्वेश्चन में सबसे पहले कंसीडर करें, कंसीडर इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, वेयर जहां पर एफ जेड की वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये एक्स वाले टर्म को हम जेड के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो एफ जेड बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एफ जेड बराबर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंटूर सी कंसिस्ट ऑफ कंटूर हेयर सी कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्किल सी आर एंड रियल लाइन माइनस आर टू आर। यहां पर जो कंटूर बनाया गया है क्लोज कंटूर सी जो बनाया गया है ये सी हो जाएगा और ये दो चीजें रखेगा सी आर सेमी सर्किल जिसकी रेडियस आर है और रियल लाइन माइनस आर टू आर। तो जो क्लोज कंटूर सी होगा क्लोज इंटीग्रेशन क्लोज कंटूर ओवर सी होगा वो इन दो का सम होगा इंटीग्रेशन माइनस आर टू आर क्योंकि रियल है तो ये एफ एक्स डी एक्स होगा और सी आर एफ जेड डी जेड। तो यहां पर लिख सकते हैं हेंस इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स पहला पार्ट प्लस सी आर एफ जेड डी जेड। इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर वन और यहां से हम इन दोनों टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हमें एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नाउ फॉर पोल, अब यहां से हम पोल निकालेंगे क्योंकि कॉसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करना है तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि इस सेमी सर्किल के अंदर पोल क्या है। तो पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर वाले टर्म यहां पर जीरो रखते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट जेड इक्वल टू आ जाएगा पहले वाले से प्लस माइनस ए आई और दूसरे वाले से प्लस माइनस बी आई। देखिए यहां पर ये रियल एक्सिस होता है एक्स और ये इमेजिनरी एक्सिस है वाई। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ये पॉजिटिव डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन वाई की यहां पर नहीं है सेमी सर्किल में क्योंकि अपर हाफ सेमी सर्किल लिया गया है इसलिए जेड इक्वल टू प्लस ए आई एंड जेड इक्वल टू प्लस बी आई लाइज विद इन सी आर। तो हेंस जेड इक्वल टू ए आई कामा बी आई विद इन सी। ये जो पॉइंट होंगे ए आई बी आई सी के अंदर होंगे
इसलिए इन दोनों पॉइंट्स पर हम रेजिड्यू निकालेंगे. हेंस रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए आई बराबर होगा लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई जेड माइनस ए आई इंटू एफ जेड. और एफ जेड की वैल्यू हमारे पास दे रखी है जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वो वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई और जेड माइनस ए आई इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड प्लस ए आई, दो पार्ट में ब्रेक कर लें जेड माइनस ए आई इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जेड माइनस ए आई से जेड माइनस ए आई कैंसिल, जेड की जगह पर ए आई रख दें तो न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का वन, तो आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर. यहां पर ए आई और ए आई मिलकर बना लेंगे 2ai और ब्रैकेट में रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर. यहां से एक ए एक ए से कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर रिजल्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ए अपॉन टू बी स्क्वायर माइनस ए ए अपॉन टू आई, सॉरी इसको हम इधर लिख ले रहे हैं दिस इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टू आई और साथ में रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये वैल्यू निकल के आ जाएगी लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई. ऐसे ही रेजिड्यू एट निकालें, रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू बी आई, दूसरा पॉइंट था जेड इक्वल्स टू बी आई, वो भी क्योंकि सर्किल के सेमी सर्किल के अंदर होगा इसलिए उस पर भी रेजिड्यू निकालें. तो लिमिट जेड टेंडिंग टू बी आई जेड माइनस बी आई और साथ में हो जाएगा एफ जेड. वैल्यू पुट कर दें तो लिमिट जेड टेंडिंग टू बी आई जेड माइनस बी आई इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, अब की बार जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वैसे ही रहेगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा और इंटू साथ में हो जाएगा जेड माइनस बी आई और जेड प्लस बी आई. जेड माइनस बी आई से जेड माइनस बी आई कैंसिल हो जाएगा और बी की जेड की जगह पर बी आई पुट करेंगे तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा इसको ये फर्स्ट पार्ट का है, सेकेंड पार्ट की वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू, इसी टाइप से रिजल्ट निकलेगा और ये बन जाएगा यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू माइनस का, क्योंकि यहां पर बी आई रखेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन, जब यहां बी आई रखेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का बी अपॉन टू आई और साथ में रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो जेड इक्वल्स टू ए आई का रेजिड्यू आ गया माइनस ए अपॉन टू आई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और जेड इक्वल्स टू माइनस बी आई की वैल्यू आ गई है माइनस बी अपॉन टू आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये दोनों रेजिड्यू हमने निकाल लिए. अब नाउ कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करके इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकालेंगे. तो यहां पर लिखें फ्रॉम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, तो फ्रॉम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, फ्रॉम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करें, फ्रॉम रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम का यूज करें. तो रेजिड्यू थ्योरम कहती है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर होता है 2 पाई आई इनटू सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल विद इन सी, सर्किल सी में जो रेजिड्यू आए हैं उनका सम. तो एक रेजिड्यू आया है माइनस ए अपॉन टू आई वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा रेजिड्यू आया है माइनस बी अपॉन टू आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का सम कर दें तो हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी जेड बराबर बन जाएगा टू पाई आई
इनटू सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू माइनस वन अपॉन टू है यहां भी है, माइनस वन अपॉन टू है यहां भी है, दोनों को कॉमन ले ले, माइनस वन अपॉन टू आई बाहर, दोनों से माइनस बाहर, तो एक से वैल्यू आएगी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस दूसरे से वैल्यू आएगी बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू आई से टू आई कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहां था तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इस टाइप से भी नोट कर लें, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी पाई और माइनस पाई, यहां से माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस का बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो पाई साथ में आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो बचेगा यहां पर ए प्लस बी, तो रिजल्ट आ जाएगा पाई अपॉन ए प्लस बी, तो पाई अपॉन ए प्लस बी वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी जेड, इसकी वैल्यू निकल के आ गई पाई अपॉन ए प्लस बी। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन में लेफ्ट हैंड साइड में था इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है पाई अपॉन ए प्लस बी, राइट हैंड साइड में था माइनस आर टू आर एफ एक्स एंड डी एक्स प्लस सी आर एफ जेड इंटू डी जेड, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड डी जेड था, सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू आ गई है पाई अपॉन ए प्लस बी, तो ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई पाई अपॉन ए प्लस बी। नाउ आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब आर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू रख दें तो जेड की जगह एक्स पुट करें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन ए प्लस बी। तो जब r टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो r की जगह पर इन्फिनिटी बन जाएगा और लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी सेमी सर्कल सी आर एफ जेड डी जेड बन जाएगा। इसके बाद हमने कोरोलरी एक यूज की थी, कोरोलरी जरा ध्यान से देख लें, हेयर थोड़ा साइड में फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, हेयर इंटीग्रेशन लिमिट r टेंडिंग टू इन्फिनिटी सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा सिंस जेड एफ जेड टेंस टू जीरो एज जेड टेंडिंग टू जीरो, जैसे जैसे जेड जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये इंटीग्रेशन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ जेड डी जेड है तो ये वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, क्योंकि जेड एफ जेड की वैल्यू जो यहां पर है, अगर एफ जेड में जेड एफ जेड की वैल्यू जो दे रखी है जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसमें जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दें तो ये टोटल वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी, इसलिए इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस का जीरो, क्योंकि ये वैल्यू जीरो के बराबर है, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन ए प्लस बी, इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट, यही इंटीग्रेशन में पूछ रहा था क्वेश्चन में कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स विल बी पाई अपॉन ए प्लस बी, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन ए प्लस बी। इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, यहां पर जेड एफ जेड की वैल्यू जब आप रखेंगे तो वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा एज जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको थोड़ा मैं एक बार फिर से देख लूं, जेड इंटू एफ जेड की वैल्यू है जेड स्क्वायर,
अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस टेंडिंग टू जीरो एज जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे जेड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए इसको हमने यहां डायरेक्ट जीरो कर दिया और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें इस पोर्शन का कि एक कोरोलरी का यूज करते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक और क्वेश्चन देखें और उसको इसी टाइप से सिंप्लीफाई करेंगे और उसको इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहां देख लें कॉसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करेंगे बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक और नोट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो इवेल्युएट, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो इवेल्युएट जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कह रहा है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालिए, अगर जीरो टू इन्फिनिटी हो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालें बाय कॉसी रेसिड्यू थ्योरम। तो बाय कॉसी रेसिड्यू थ्योरम की हेल्प से हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो जरा देखते हैं यहां पर और नोट कर लें, बाय कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, या लिख लें रेसिड्यू थ्योरम, रेसिड्यू थ्योरम। तो सबसे पहले देखें यहां पर सॉल्यूशन, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहां पर कंसीडर करेंगे क्लोज कंटूर सी। तो कंसीडर द इंटीग्रेशन, कंसीडर द इंटीग्रेशन सी एफ जेड एंड डी जेड, वेयर यहां पर एफ जेड की वैल्यू बन जाएगी एफ जेड इक्वल्स टू वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो fz की वैल्यू बनेगी 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड c कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल cr विद रियल लाइन माइनस r टू r। तो यहां पर हम सी क्लोज कंटूर सी है उसको कंसीडर कर रहे हैं। सी में दो चीजें हैं, एक सेमी सर्किल सी आर है, ये हो गया सी आर, ये टोटल सिस्टम सी जिसकी रेडियस आर है और विद लाइन माइनस आर टू आर है, मीन्स दो चीजें कंटेन कर रहा है ये सेमी सर्किल अपर हाफ पोर्शन ऑफ द सर्किल विद लाइन रियल लाइन माइनस आर टू आर। देन हेंस इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, तो क्योंकि इंटीग्रेशन इन दोनों पर है इसलिए इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में लिख सकते हैं माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये रियल लाइन पर है माइनस आर टू आर इसलिए इस यहां पर एफ एक्स डी एक्स लिखा जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर वन। तो ये इक्वेशन नंबर वन हो जाएगी, यहां पर एफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है और एफ जेड की वैल्यू 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने पहले ही मेंशन कर दिया है एफ जेड, तो एफ एक्स भी वैसे हो जाएगा। फॉर पोल, क्योंकि हम यहां कॉसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले पोल निकालेंगे, क्योंकि कॉसी रेसिड्यू थ्योरम रेसिड्यू एट पोल विद इन सी पर ही निकलती है। तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर जीरो, डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो के बराबर रखते हैं पोल निकालने के लिए। दिस इंप्लाइज दैट जेड प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर जीरो, यहां से आ जाएगा जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस ए आई। तो जेड की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए आई, तो यहां से जेड निकल आया प्लस माइनस ए आई, जेड की वैल्यू प्लस माइनस आई है, इनमें से जेड इक्वल्स टू प्लस ए आई लाई करेगा क्योंकि ये रियल एक्सिस योर इमेजिनरी एक्सिस, निगेटिव पार्ट इमेजिनरी एक्सिस का है नहीं, इसलिए जेड इक्वल्स टू प्लस ए आई विद इन सी। तो हेंस जेड इक्वल्स टू प्लस ए आई विद इन सी, क्योंकि लार्ज सेमी सर्किल है इसलिए सी के अंदर ही होगा जेड इक्वल्स टू प्लस ए आई। रेजिड्यू निकालें, रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए आई, तो जेड इक्वल्स टू ए आई पर रेजिड्यू निकालें,
क्योंकि यहां पर जो रेजिड्यू है, जो पोल है, जेड इक्वल्स टू ए आई विद इन सी पोल ऑफ ऑर्डर टू है, ये भी मेंशन कर दें, पोल ऑफ ऑर्डर टू, क्योंकि टू ऑर्डर का पोल है इसलिए रेजिड्यू हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस वन का फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई डी टू माइनस वन अपॉन डी जेड की पावर टू माइनस वन साथ में जेड माइनस ए आई का होल स्क्वायर इंटू वन एफ जेड साथ में आ जाएगा एफ जेड, एफ जेड की वैल्यू पुट कर दें तो दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू माइनस वन फैक्टोरियल मीन्स फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन, तो आ जाएगा लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई डी अपॉन डी जेड और जेड माइनस ए का होल स्क्वायर वैसे ही रखें तो जेड माइनस ए आई का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन जेड, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टू पार्ट्स में लिख सकते हैं क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है जेड प्लस ए आई और जेड माइनस ए आई, तो इसलिए इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें तो आ जाएगा जेड प्लस ए आई का होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा जेड माइनस ए आई का होल स्क्वायर, जेड माइनस ए आई का होल स्क्वायर जेड माइनस ए आई के होल स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, इसको वन अपॉन जेड प्लस ए आई के होल स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई और जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का टू अपॉन जेड प्लस ए आई का होल क्यूब, क्योंकि डिनोमिनेटर में वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, जेड की जगह ए आई पुट कर दें तो इट इज इक्वल टू माइनस का टू अपॉन जब जेड की जगह ए आई रखेंगे तो ए आई प्लस ए आई बन जाएगा टू ए आई का होल क्यूब, टू का होल क्यूब हो जाता है एट, ए का होल क्यूब हो जाएगा ए क्यूब और आई का होल क्यूब होता है माइनस का आई, तो एट आई ए क्यूब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा टू से एट को कैंसिल करें तो ये फोर आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा वन अपॉन फोर आई ए क्यूब, तो वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन फोर आई ए क्यूब, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा रेजिड्यू एट जेड इक्वल्स टू ए आई बन जाएगा वन अपॉन फोर आई ए क्यूब। नाउ कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, फ्रॉम कॉसी रेजिड्यू थ्योरम, कॉसी रेजिड्यू थ्योरम का यूज करें तो कॉसी रेजिड्यू थ्योरम कहती है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर होता है टू पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूस, सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल विद इन सी मीन्स टू पाई आई इंटू रेजिड्यू एट पोल विद इन सी का आपस में मल्टीप्लिकेशन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू पोल निकाला है 1 अपॉन 4 आई ए क्यूब, तो ये मल्टीप्लाई कर दें इंटू 1 अपॉन 4 आई ए क्यूब, आई से आई कैंसिल तो आई से आपका आई कैंसिल हो जाएगा 2 टू जा 4 हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 इंटू ए क्यूब, तो यहां से वैल्यू आ गई पाई बाई 2 इंटू ए क्यूब, तो ये पाई बाई 2 इंटू ए क्यूब हो गया by using Cauchy integral theorem integration C fz dz बराबर आ गया pi by 2 into a cube। अब ये value equation number 1 में यहां पर put कर दें तो जब equation number 1 में यहां पर value put करेंगे तो from equation 1 आपका result आ जाएगा, यहां से note कर लें from equation 1 क्योंकि हमने integration C fz dz की value निकाल ली by Cauchy residue theorem, तो from equation 1 फ्रॉम वन माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस का सी आर एफ जेड डी जेड बराबर हो जाएगा पाई बाई टू ए क्यूब, तो ये बन जाएगा पाई बाई टू इंटू ए क्यूब, लेकिन हमें इंटीग्रेशन चाहिए था जीरो टू इन्फिनिटी का इसलिए आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी एट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब हम आर को इन्फिनिटी में अप्रोच कराएंगे तो जब हम आर को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी
दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू बन जाएगी, जैसे जैसे आर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होगा तो हम आर की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, तो वैल्यू बन जाएगी माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स की जगह रख दें 1/x² + a² × dx प्लस आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी सी आर एफ जेड की जगह पर 1/z² + a² का होल स्क्वायर, यहां पर भी होल स्क्वायर है, इंटू डी जेड, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2a³ बन जाएगा। अब यहां पर देखें फिर से वही हमारा जो रूल था कि जेड एफ जेड अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये पूरा इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1/x² + a² dx एंड प्लस का जीरो, यहां पर लिखने साइड में, सिंस जेड एफ जेड दैट इज दिस इज इक्वल टू जेड और एफ जेड की वैल्यू z² + a² का होल स्क्वायर टेंड्स टू जीरो एज जेड टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे जैसे जेड इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो वैल्यू है ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, क्योंकि ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है इसलिए इंटीग्रेशन आर टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये प्रीवियस जो हमने कोरोलरी बताई थी उस कोरोलरी के हेल्प से वैल्यू जीरो के बराबर है, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2a³। हमने वैल्यू निकाली माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, लेकिन ये पूछ रहा था जीरो टू इंफिनिटी, तो जीरो टू इंफिनिटी करेंगे तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट टू टाइम्स जीरो टू इंफिनिटी डीएक्स अपॉन x² + a² का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2a³। 2 से इसको डिवाइड कर दें तो इंटीग्रेशन जीरो टू इंफिनिटी डीएक्स अपॉन x² + a² का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 4a³ बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा पाई अपॉन 4a³ और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, ये यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं दूसरे पार्ट में भी, कभी कभी एट a = 1 पर आ जाता है तब ये वैल्यू बन जाएगी 0 to infinity dx अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर बराबर π/4। अगर a की वैल्यू यहां 1 आ जाती तो ये रिजल्ट निकल आएगा और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अभी के लिए इतना ही, फिर हम और कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।